तो आज मैंने अपना काम फिनिश करने के बाद, जो मतलब मेरा लैब का वर्क था उसको फिनिश करने के बाद, हमारे लैब मैनेजर ने बताया कि मंडे को एक कॉन्फ्रेंस है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए जो है कुछ मील जो है, यानी कि जो लंच है, हालांकि लंच नहीं होगा क्योंकि शाम को हो रहा है, शाम को 6-5 बजे होगा वो कॉन्फ्रेंस, तो उसके लिए जो है कुछ खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो यूजुअली यही होता है कि जब हमारे यहाँ कुछ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या फिर कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है तो कुछ खाना जो है ऑर्डर किया जाता है ऑनलाइन, तो इस बार भी हो रहा है। और मेरे खाने के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कोरिया जैसे कि ये तो इनको वेजिटेरियन कुछ पता वता है नहीं, तो उस चक्कर में इनके लिए भी बड़ा एडजस्ट करना मेरे साथ मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कैसे समझाएं, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स हैं जो ऑनलाइन फूड प्रोवाइड कराते हैं तो उनको भी जो है वेजिटेरियन फूड का थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। एक्चुअली ये जो है वेजिटेरियन जानते ही नहीं ज़्यादातर लोग कि वेजिटेरियन होता है क्या है, मगर वो समझते हैं कि फिश और एग, श्रिम्प और एक दो और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, वो समझते हैं कि ये वेजिटेरियन ही है। और अगर आप उनको स्पेसिफाई ना करो कि ये चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए तो वो उसको भी आपके खाने के साथ मिला देते हैं। मिला क्या देते हैं, मतलब जो कॉम्बो पैक होता है यूजुअली, अगर आप बोलेंगे कि वेजिटेरियन और बिना उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए आपने बोल दिया कि मुझे वेजिटेरियन चाहिए, तो उसमें वो अपने मन से जो है फिश है, एग है, श्रिम्प है या इस तरह की चीज़ें उसमें आप वो ऐड ही कर देंगे, तो आपके लिए वो, अगर आप शुद्ध शाकाहारी हो तो आपके लिए वो बेकार हो जाएगा, आप नहीं खा सकते हो, क्योंकि अगर एक ही प्लेट में वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो जाहिर सी बात है आप नहीं खा पाओगे, ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हालांकि यहाँ पे लोगों ने, मेरी लैब के लोगों ने उस चीज़ को समझ लिया शुरुआत में ही और काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं इस मामले में, और हमेशा ही अच्छे से, जब इनको कोई कन्फ्यूजन होता है तो भी ये मेरे पास आते हैं, मेरे से अच्छे से पूछते हैं, फिर मैं उनको अच्छे से समझाती हूँ कि उसमें फिश नहीं होना चाहिए, एग नहीं होना चाहिए, श्रिम्प नहीं होना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि अगर ये ज़्यादातर इनकी चीज़ें जो है लिक्विड ज़्यादा होता है, यानी कि पानी ज़्यादा होता है जो भी इनका खाने का आइटम होता है, और वो पानी जो है यूजुअली वो फिश वाटर होता है, मछली का पानी उसको भी मिला देते हैं। तो अगर जिसको नहीं पता है और वेजिटेरियन है और उसने मान लो वेजिटेरियन समझ के किसी खाने को ऑर्डर कर दिया है और वो, उसको ये चीज़ नहीं पता है कि उसमें पानी कौन सा डाला हुआ है, तो 100% गारंटी है कि वो आपको फिश वाटर ही होगा उसमें, जो भी उस खाने में होगा ना वाटर, वो फिश वाटर ही होगा। तो ये वीगन है, इसमें स्वीट पम्पकिन वार्म बाउल कुछ ऐसे करके है, और सलाडी करके इस रेस्टोरेंट का नाम है जहाँ से ये खाना आने वाला है, मैंने इसी को पसंद किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्वीट कॉर्न है, चिकपी है, पम्पकिन और सारा मतलब ग्रेन और ये कद्दू और हरी हरी सब्जी कुछ इस तरीके का है, सलाद वगैरह यही सब है।